आज तक आप भगवान शिव के ऐसे मंदिर में गए होंगे जहां उनकी मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु सच्चे दिल से पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल दो बार दर्शन देने आते हैं और पूरा मंदिर फिर जलमग्न हो जाता है? नहीं देखा? शायद आपको इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको इस मंदिर से रूबरू कराते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवि कम्बुई गांव में मौजूद है। अगर ट्रैफिक जाम ना मिले तो आप गांधीनगर से इस जगह तक 4 घंटे में ड्राइव करके पहुंच सकते हैं। मंदिर 150 साल पुराना है और अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नामक एक असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश कर लिया था। इसके बदले में शिव ने उसे मनचाहा वरदान दिया। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सकता और पुत्र की आयु भी 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये सब देख कर देवताओं और ऋषि मुनियों में शिवजी से उसका वध कराने की प्रार्थना शुरू की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। असुर का वध कार्तिकेय ने तो कर दिया, लेकिन शिव भक्त की जानकारी मिलने पर उन्हें बेहद दुख पहुंचा। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्राश्चित करने का मौका दिया। विष्णु भगवान ने उन्हें सुझाव दिया कि जहाँ उन्होंने असुर का वध किया है वहाँ वो शिवलिंग की स्थापना करें। इस तरह इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाने लगा। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा सुबह शाम 2 बार होता है और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है।